प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पोलियो एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं तो उसका भी हम समाधान निकाल लेते हैं। पल्स पोलियो अभियान इस देश के अंदर उसी सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। हम लोगों को याद है कि इसके लिए गांव-गांव में, हर मोहल्ले में बूथ लगाने, उससे पहले अवेयरनेस के बृहद कार्यक्रम को साथ में लेकर के तमाम उन संगठनों ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ जब सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। विगत 12 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पोलियो से संबंधित मामला देखने को नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जागरूकता और भारत की सफलता की एक नई कहानी कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ जीते हुए 135 करोड़ लोग इस संक्रामक बीमारी से मुक्त हुए हैं, लेकिन संक्रामकता होने के नाते यह बीमारी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह संक्रमित हो सकती है। इस दिशा से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदे ऐसे देश बचे हैं जहां पर अभी भी उस पर लोगों ने नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। उसके परिणाम स्वरूप इस सतर्कता के लिए प्रतिवर्ष पोलियो उन्मूलन के लिए पल्स पोलियो अभियान शासन के स्तर पर संचालित हो रहा है। हम सब जानते हैं पोलियो यानी दो बूंद पोलियो की ड्रॉप की पिलाने से एक बच्चे को जीवन पर्यंत स्वस्थ रखा जा सकता है, और जहां भी लापरवाही हुई है यह शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को दिव्यांग बना देता है, उस बच्चे को दिव्यांग बना देता है। यह एक राष्ट्रीय क्षति है, और उस राष्ट्रीय क्षति को रोकने के लिए दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी चिंता जब व्यक्त की और उसके बाद WHO, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं कि भारत ने पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य को एक दशक पहले ही पूरी तरह सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके न केवल पोलियो का बल्कि मलेरिया, कालाजार जैसी तमाम अन्य बीमारियों पर भी प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर था। पूर्वी उत्तर प्रदेश इस सीजन में एक खोप हर परिवार के मन में होता था, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन बच्चा इस बार इस बीमारी इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आ जाए। गोरखपुर में जब मैं स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि भी आखिर इंसेफ्लाइटिस की स्थिति क्या है, क्योंकि मैं तो पिछले 30 वर्षों से उसका चश्मदीद रहा हूं कि कैसे इंसेफ्लाइटिस से एक वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की मौत की एक श्रृंखला लगती थी। इस सीजन में मध्य जुलाई से लेकर के मध्य नवंबर तक इस सिलसिला चलता था, और
इस बार हम सितंबर माह में हैं। मैंने 15 सितंबर को ही इसे पूछा, मैंने कहा आखिर क्या स्थिति है। अब आश्चर्य करेंगे कि पूरे सीजन भर में अब तक 40 इंसेफ्लाइटिस के मरीज आए हैं, जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस के 7 हैं और 33 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के। मृत्यु 0 है, यानी यह जब एक सामूहिक ताकत लगती है, ऐसा नहीं कि हमने इसके लिए कोई अलग से धन का प्रावधान किया हो, मौजूदा संसाधन, अंतरविभागीय समन्वय, हरेक स्तर पर उसकी क्लोज मॉनिटरिंग और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम हम सबके सामने है। संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम वर्ष में 3 बार प्रदेश शासन चला रही है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के अंदर संचारी रोग नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के उन कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके समय समय पर भारत सरकार के स्तर पर अनेक प्रकार का सहयोग किया। लेकिन बीमारी में बचाव, उपचार से महत्वपूर्ण बचाव होता है। अगर प्रारंभिक स्तर पर ही हमने इस पर उचित कदम उठा लिए, लोगों को इसके प्रति जागरूक कर लिया, तो बड़ी संख्या में हम लोग होने वाली जनहानि को रोक सकते हैं। इंसेफ्लाइटिस की भी एक सफलता की कहानी, इस दिशा में उत्तर प्रदेश के सफलतम मॉडल की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती है। जैसे हमारा देश दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जीने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी मौलिक स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति उसके तहत जी सकता है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही भारत ने कोरोना का अपना मॉडल, प्रबंधन का अपना बेहतरीन मॉडल दुनिया के सामने रखा है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर 200 करोड़ डोजेस वैक्सीन की प्राप्त हो गई, सबको दे दी, फ्री में उपलब्ध करवा दी गई। उत्तर प्रदेश में 38 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस हम देने में सफल हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम प्रिकॉशन डोजेस की बात करते हैं, तो 3,77,00,000 से अधिक प्रिकॉशन डोजेज हम लोग प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक देने में हमें अब तक सफलता प्राप्त हुई है। ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश ने आज डेंगू, मैं देख रहा था बीच के दिनों में बरसात आते ही कुछ राज्यों में डेंगू के मामले आने प्रारंभ हो गए थे, कालाजार के मामले देखने को मिल रहे थे, मलेरिया से जुड़े हुए मामले देखने को मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर हम इन सभी पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। यद्यपि उत्तर प्रदेश इन सभी संचारी रोगों से संवेदनशील रहा है, अगर हम नेपाल की तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों को देखें तो यहां पे इंसेफ्लाइटिस होती थी। महानगरीय क्षेत्रों में लखनऊ, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, ये सभी भूभाग डेंगू के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। बरेली, बदायूं और उसके आसपास का क्षेत्र मलेरिया की दिशा से संवेदनशील था। बुंदेलखंड का क्षेत्र कालाजार के प्रति संवेदनशील था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि समय से किए गए प्रभावी प्रयास और अवेयरनेस का परिणाम है कि आज इन सब पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। थोड़ा सा प्रयास और ये पल्स पोलियो का जो अभियान है, 1 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को जिसने अब तक पोलियो ड्रॉप नहीं ली है, उस बच्चे को ये देना। इसके लिए प्रदेश भर में बूथ स्थापित किए गए, 77,000 बूथ पहले दिन, और सेकंड चरण में 33,000 मोबाइल जो वैन होगी वह घर घर जाकर के उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करेगी, जिससे
इस संक्रामक बीमारी से हर एक बच्चे को हम बचाने में सफल होंगे। जब तक दुनिया से इस बीमारी का अंत नहीं होता है, तब तक हमें अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे मासूम बच्चे के लिए उपयुक्त होगा और यही राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वे की दृष्टि से भी अत्यंत अच्छा होगा। विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अच्छी सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर चाहे वह गर्भवती महिलाएं और किशोरी कन्याओं में एनीमिया के स्तर में को नियंत्रित करने में हमें मिली सफलता हुई हो, ये नेशनल एवरेज से भी अच्छा गया है। प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करके नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। सामूहिक रूप से जब हम प्रयास करेंगे, इसके परिणाम अच्छे आएंगे। पल्स पोलियो अभियान के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर से अपील करूंगा, प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि यह अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने की का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें धर्मगुरुओं को जोड़ना होगा, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ना होगा। WHO, यूनिसेफ और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को हमें अपने साथ इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए, इस एक अभियान को हिस्सा बना करके अगर हम प्रतिवर्ष चलने वाले इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, तो यह हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी होगा कि हम अपने राष्ट्र की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकता है और उसका ये महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। साथ ही साथ मैं इस बात की भी अपील करना चाहूंगा कि जितने प्रकार के टीकेकरण का अभियान है, उन सबको हर बच्चे को दिया जाना चाहिए और हम मासिक रूप से जो भी अभियान चलते हैं उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे। हम लोगों ने कन्या और प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में एक कार्यक्रम भी चलाया है कि बेटी यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके प्रति कोई भेदभाव न हो, इसके बारे में भी कि बेटी के जन्म लेते ही सरकार एक निश्चित धनराशि देगी, बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीकों से उसे आच्छादित करेंगे तब भी हम एक राशि उस बेटी के नाम पर परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। बेटी पहली क्लास में एडमिशन लेगी तो भी बेटी के नाम पर कुछ पैसा हम उपलब्ध करवाएंगे। बेटी 5वीं क्लास पास करके जाएगी तो भी हम पैसा उपलब्ध करवाएंगे और इस प्रकार से जब तक बेटी स्नातक तक के पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन शासन के स्तर पर भी बेटी के लिए एक सहयोग के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम तो सफलतापूर्वक आगे चल रहा है। 14 लाख बेटियों की सहायता राज्य सरकार वर्तमान में उपलब्ध करा रही है। साथ साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से भी दहेज रहित विवाह को हम प्रोत्साहित कर सकें। 2 लाख से अधिक बालिकाओं का दहेज रहित विवाह तक प्रदेश के अंदर संपन्न होना और प्रत्येक विवाह में 51,000 रुपए की राशि शासन के स्तर पर उन परिवारों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी संपन्न किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में पल्स पोलियो अभियान को हम लोग नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं स्वास्थ्य विभाग को और सभी संबंधित विभाग को जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन जुड़े हैं, विभिन्न धर्मार्थ संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, सभी धर्मगुरुओं को जोड़ने, WHO को जोड़े, यूनिसेफ जैसी पांच जैसी संस्थाओं को इसके साथ जोड़ने में हम सफलता की एक नई कहानी लिखने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।